रेलिंग सब किनारे की तरफ हटाना शुरू हो गया है और अब व्यवस्था पहले जैसे ही भीड़ भाड़ और अव्यवस्थित। फिलहाल आप ये दृश्य देख रहे हैं जहाँ पर बजरंगबली जी की प्रतिमा थी, अब वो वहाँ से हटा दी गई है। इसका कोई उपयोग अभी तक दिव्यांगजन और वृद्धजनों के लिए होना था, फिलहाल ये अभी भी ऐसी कैसी पड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 14 फरवरी और दिन है मंगलवार का। आज के दिन क्या अपडेट है, गोदोलिया चौराहे से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक, उसे इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। गोदोलिया चौराहे से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, कल आपने वीडियो में देखा था किस प्रकार गोदोलिया चौराहे से लेकर काशी विश्वनाथ तक क्या दृश्य था, और आज आप देखेंगे चारों तरफ सिर्फ आपको बाइक खड़ी नजर आएगी इस गोदोलिया वाले रास्ते पर। चलिए आपको ले चलते हैं हम गोदोलिया चौराहे से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक और अपडेट देते हैं। ये अपडेट आप देख रहे हैं कल और आज किस प्रकार यहाँ पर स्थिति बदल जाती है वीआईपी मूवमेंट पे। देखेंगे चारों तरफ सिर्फ आपको किनारे में बाइक नजर आएगी। जबरदस्त भीड़, ये रास्ता सीधे चला जाएगा आपका दशाश्वमेध घाट की तरफ। रेलिंग सब किनारे की तरफ हटाना शुरू हो गया है और अब व्यवस्था पहले जैसे ही भीड़ भाड़ और अव्यवस्थित। दुकानें एक बार फिर से किनारे की तरफ सज चुकी है। सामने दशाश्वमेध भवन और ये आगे दशाश्वमेध घाट। कल यहाँ पर गंगा आरती का प्रोग्राम था माननीय राष्ट्रपति जी का, और आज आप देख रहे हैं घाट का नज़ारा। देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट का दृश्य। चलिए इसी दृश्य के साथ आगे कॉरिडोर की तरफ चलते हैं आपको लेके। आप देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट से गंगा के उस पार का दृश्य मैं आपको दिखाऊं। काफी चटक धूप इस समय बनारस में, और ये घाट का उस तरफ का दृश्य आप देख रहे हैं। चलिए राजेंद्र प्रसाद घाट से आगे बढ़ते हैं। काफी चटक धूप बनारस में और ठंडी अब धीरे धीरे सुबह और शाम सिर्फ हल्की फुल्की। ये वारही घाट से आगे त्रिपुर भैरवी घाट होते हुए मीर घाट और फिर कॉरिडोर। ये आप देख रहे हैं मीर घाट से नीचे, और इस तरफ आपको दिखाऊं तो मीर घाट का दृश्य। सामने आप देख रहे हैं मीर घाट। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि
रत्नेश्वर महादेव मंदिर जो मणिकर्णिका और सिंधिया घाट के पास स्थित है, आधा झुका हुआ मंदिर, उसका बहुत ही जल्द संरक्षण का कार्य किया जाएगा। और आपका विशालाक्षी मंदिर जाने के मार्ग को नीचे चौड़ा किया जाएगा। ये सभी फेज 3 के अंतर्गत काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भवनों को कुछ अधिग्रहण के पश्चात एक बार फिर रैंप के पास का दृश्य आप देख रहे हैं। फिर से यहाँ पर वही पुरानी व्यवस्था, मैं आपको पास करके दिखाऊं तो ये देख रहे हैं रैंप के पास सामने में ललिता घाट पर स्थित रैंप। अब थोड़ा सा जो है ये आपका गंगा के जल में डूबा हुआ, बाकी आप देख पा रहे हैं रैंप का दृश्य। चलिए ललिता घाट के पास से आपको कॉरिडोर के अंदर भी ले चलते हैं। फिलहाल आप ये देख रहे हैं यहाँ रैंप के पास काफ़ी श्रद्धालु यहाँ उतरते हैं नाव के द्वारा, और यहीं से काशी विश्वनाथ के दर्शन। आज काफी भीड़ है यहाँ पर, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं काफी भीड़। मैं आपको पास से दिखाऊं यहाँ पर नामस्वं पुरुषालहं अश्वपुर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनी श्रियं देवीं भवै श्रीमां तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां माद्रां दलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मेष्टितां पद्मवरणां चन्द्रां प्रभासां युक्तां दलन्तीं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जब से कॉरिडोर बना है तब से ये दृश्य आपको कॉरिडोर में आम दिखाई देगा। दर्शन करने के लिए काफी श्रद्धालु देश के विभिन्न राज्यों से ये सभी श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी आते हैं, और काशी में श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी इजाफा, जिससे कि रोजगार और नाविकों का होटल व्यवसाय सभी को यहाँ फायदा इस कॉरिडोर के बनने के बाद। चलिए दोस्तों अब आपको रैंप का दृश्य दिखाते हैं। यह देखा है मणिकर्णिका घाट सामने है, और इस तरफ रैंप। चलिए रैंप के अंदर चलकर वहां का अपडेट आपको दें। ये आप देख रहे हैं रैंप, अभी भी रैंप पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है, और इसका कोई उपयोग अभी तक दिव्यांगजन और वृद्धजनों के लिए होना था, फिलहाल ये अभी भी ऐसी कैसी पड़ा हुआ है। चलिए ऊपर चलते हैं रैंप के द्वारा।
रैंप का उपयोग जिस कार्य हेतु हुआ था, बना था ये रैंप, फिलहाल उसका उपयोग न के बराबर, यह सीधे आपका जलासेन पथ के पास ऊपर की तरफ इसका मुहाना खुलेगा दरवाजा, और यह रैंप से आप देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट का दृश्य। चलिए बाहर की तरफ चलते हैं आपको लेके। ये देख रहे हैं जलासेन पथ, और यहाँ पर बजरंग बली जी की प्रतिमा, इसको यहाँ से हटाकर अन्य जगह स्थापित किया गया है। फिलहाल आप ये दृश्य देख रहे हैं जहाँ पर बजरंग बली जी की प्रतिमा थी, अब वो वहाँ से हटा दी गई है। और ये मंदिर आप देख रहे हैं परिसर के अंदर, जिसका जीर्णोद्धार करने के बाद ऐसे खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पूजा अभी फिलहाल बंद। काफ़ी खूबसूरत नक्काशीदार मंदिर, शिव मंदिर। काफ़ी खूबसूरत नक्काशी इस मंदिर में। हाँ चलत ना, आप कहीं गमछा वमछा लेके आओ जी तब। ये देख रहे हैं सभी परिसर के अंदर पीछे की तरफ ये सभी मंदिर, और इस तरफ मणिकर्णिका घाट जाने के लिए गली। सामने देख रहे हैं गंगा द्वार। परिसर के अंदर आपको मैं अपडेट दूं तो यहाँ शंकराचार्य जी की प्रतिमा नए वस्त्र धारण किया हुआ शंकराचार्य जी का, काफ़ी खूबसूरत ये प्रतिमा है। चलिए मंदिर के अन्य भागों में आपको ले चलें, कॉरिडोर की सीढ़ियों के द्वारा। एक्सलेटर बनने से काफ़ी सुविधा। यहाँ देखेंगे तो व्हील चेयर की भी सुविधा है श्रद्धालुओं के लिए। चलिए अमृत भवन का दृश्य आपको दिखाएं, जहाँ पर रेस्टोरेंट खुलने की तैयारी चल रही है। जोर शोर से इसकी तैयारी, जैसा कि आपको मैंने अन्य वीडियो में अपडेट दिया, शिवरात्रि तक इसकी ओपनिंग होगी। फाइनल तैयारी, यहाँ पर भोजन की व्यवस्था श्रद्धालुओं को, ये आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस रेस्टोरेंट को खोला जाएगा। अमृत भवन में, चलिए अमृत भवन से बाहर और सामने की तरफ गेट नंबर 1, सभी भवन धीरे धीरे खुलने को तैयार। ये देख रहे हैं यहाँ से गेट नंबर 1 से सभी श्रद्धालु दर्शन के लिए शंकराचार्य चौक तक जाते हैं। फिलहाल आप ये सभी दृश्य देख रहे हैं गेट नंबर 1 के सामने का। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,
हर हर महादेव।